सूचना प्राप्त हुई कि ट्रेन दीपा मांडे के पास ट्रेन का जो रूट है वहाँ पर एक बॉडी पड़ी हुई है। तत्काल पुलिस टीम रवाना हुई। जैसे ही हमने पीएम के लिए बॉडी भेजी और उसके बाद मर्ग जांच में लिया तो कुछ तथ्य सामने आए। पीएम रिपोर्ट में भी ऐसी तथ्य सामने आए कि मृतक की जो मृत्यु हुई है वो हेड इंजरी से हुई है। और जब हमने अन्य परिजनों से और अन्य गांव वालों से भी पूछताछ की तो हमें तथ्य सामने आए, ये तथ्य सामने आए कि मृतक जो है वो जो आरोपी है गोलू, उसका बहुत अच्छा दोस्त था और चुनावी माहौल के तहत ये जिताना चाह रहा था गोलू को। इस दौरान वह गोलू को किसी भगत के यहाँ ले जाना चाह रहा था ताकि वो चुनाव में जीत जाए, परंतु वो उसे वहाँ ना ले जाकर बोलते ही मैं वापस ये लौटा के ले आया और लौटाने के बाद उसका फ़ोन भी चुरा के ले गया। जैसे ही फ़ोन चुरा के ले गया तो इनकी आपस में ट्रेन जो घटनास्थल है वहीं पर आपसी बातचीत कुतूहल में हुई और उस दौरान ही जो हमारे आरोपी हैं रामनाथ, उसकी मृतक के साथ भैंसा भैंसी में धक्का मुक्की हो गई और धक्का मुक्की में उसका सर फट गया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। और जो गोलू का फ़ोन चुरा के ले गया था मृतक, वो भी उसको वहीं पड़ा मिला, उसने वहीं उसे फ़ोन को बॉडी के पास ही छोड़ दिया। इन तथ्यों के आधार पर हमने इसमें हत्या का प्रकरण दर्ज किया और विवेचना जारी है।